भैया अच्छे से खींचना, सारी फोटो अच्छी आनी चाहिए। अब इस एंगल से ले। अबे बहन तू लेट मत कर, मुझे जाना भी है। क्या है भाई, थोड़ी देर रुक जाए ना, मेकअप भी फोटोज खिंचवानी है। भैया भैया इस एंगल से अब। अरे भैया आप एक काम करो, आप जाओ, मैं अदिति को घर छोड़ दूंगा। पर भाई इतनी जल्दी में गया कहाँ होगा? अरे बेबी मुझे पता, वो मेरा मतलब है अदिति, मुझे पता वो कहाँ पे गया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, एक नंबर की गर्लफ्रेंड है उसकी। अबे वो पागल, मेरे को अच्छे से पता है मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एकदम शरीफ लड़का है वो। हाँ हाँ रहने दे, बड़ा शरीफ है तेरा भाई, अगर यकीन नहीं हो रहा ना आप मेरे साथ अपनी आंखों से देख लियो। अगर तेरी बात झूठ निकली तो तू शर्त लगा ले 50 रुपए की। पर मेरे पास तो बस 34 रुपए है। चल कोई नहीं, आजा तेरे को भी आज दिखा दूंगा। ये ले मेरा बैग उठा ले। भाभी गुस्सा मत करिए, भैया आते होंगे। अरे यार भैया भागवत गुस्से में, देख लो ना। बेबी सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया बस। बेबी तुम बहुत झूठे हो, मुझे जल्दी बुला के हमेशा खुद लेट आते हो। बेबी मैं ना जानबूझकर लेट आता हूँ ताकि आपको ना मुझसे और ज्यादा प्यार हो सके। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लेट आओगे और मुझे प्यार हो जाएगा? बेबी जैसे मैं आपको इंतजार करवाऊंगा फिर आपको मुझसे गुस्सा आएगा ना, आपको पता है आपके गुस्से में ना प्यार छिपा होता है। हाय कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। अच्छा बेबी आपको पता है मेरे घर वाले ना सब बाहर जा रहे हैं कल। ओह शिट, फिर तुम्हें खाना बना के कौन देगा? बेबी मेरा मतलब मैं कल घर पे अकेला हूँ। हाय बेचारे मेरे बाबू को कल अकेला रहना पड़ेगा घर। अबे तू पागल है क्या, मेरा मतलब कल मैं अकेला हूँ घर पे, तू आ जा ना। ओह आपका मतलब ये था, आप कितना सोचते हो ना मेरे बारे में। देख ले अपने भाई की करतूते, ला मेरे शर्त के 34 रुपए दे। रुक जाना, क्या पता वो भाई की फ्रेंड हो, एक बार बातें सुनने दे फिर दे दूंगी। जा सुन ले। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बहन बनाया, मुझसे तुम्हारा हाल देखा नहीं गया, तुम्हें बचपन में कोई कचरे में फेंक के चला गया था, मैंने तुम्हें पाला पढ़ाया लिखाया मेरी प्यारी बहन। ऐसा कैसे हो सकता। देख कुत्ते मेरा भाई कितना अच्छा है, एक बेसहारा लड़की को सहारा दे रहा है और तू हमेशा उसके बारे में गलत बोलता रहता है। अरे तू मेरी बात तो सुन ले। चुप कर, एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपने प्यारे भाई के लिए। उस बेचारे ने उसको कचरे में से उठाया पढ़ाया लिखाया और तू उसका मजाक उड़ाता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरा बाबू मेरी बहना है। बेबी अब क्या बोल रहे हो? बेबी? हाँ अब देख, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। अरे पागल तू मुझे बेबी क्यों बोलती हो? हाँ मैं मानता हूँ बचपन में मैंने तुम्हें प्यार से रखा, और तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी दो चोटी करके स्कूल जाती थी। मारो मुझे मारो। अरे यार ये पागल बना रहा है। चुप कर, अब निकाल मेरे 34 रुपए। अब जाए आज के बजाय दिख मत जाइयो। पीछे बहन खड़ी है मेरी। अबे अब इसकी लंका लगेगी। फोन करता हूँ। प्रिंस तेरी बहन आ रही है भाई, संभाल लियो। अच्छा छोड़, जैसा मैं बता रहा हूँ ना तू वैसा कर। ओ भैया। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे दीदी तू यहाँ, मुझे ना तुझे इससे मिलवाना था। नहीं भाई मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तेरा जैसा भाई सबको मिले, और तुम चिंता मत कर आज से तो हमारे घर में रहेगी। लेकिन मैं कैसे रह पाऊंगी? बहन तू ना इधर रुक, मैं एक मिनट बात करके आता हूँ। अच्छा तुम वैसे भी हॉस्टल में रहती हो है ना, मेरी मम्मी पापा बाहर गए हैं 2 महीने के लिए, तो तब तक तुम मेरे घर पे रह लो, और बाद में कोई बहाना मार के चले जाना ठीक है? ठीक है।
भाई बहन के बीच कौन सी बातें चल रही है मुझे भी तो बताओ। चलो फिर घर चलते हैं। भैया दी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अदिति मैं चाय नहीं पीती, एक्चुअली बाबू ना भैया जी कॉफी पिलाते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे मेरा भाई है इतना क्यूट। अच्छा कल रक्षाबंधन है तो यहाँ से ना भाई का राखी बांध देना, ये भाई बहन का प्यार टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो ये कुत्ता मेरे को प्यार करता ही नहीं, पर तुम दोनों का ये प्यार देख के मेरी आंखें भर आई। चलो आप दोनों बातें करो, मैं भी चाय लेकर आई। तुझे कोई काम धंधा नहीं है, रोज आ जाता है घर पे। ओ बहन जी तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको तो कुछ करना है नहीं, प्रिंस भाई कमाते हैं और आपको बस ढूंसने का काम है। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, मेरे भाई ने तो मुझे आज तक ये नहीं कहा। मेरे भाई से कुछ सीख लेना, देख एक बेसहारा को सहारा दिया उसने। हाँ तू चुपचाप चाय बना, एक कप मेरे लिए अदरक डाल के जा। हाँ बारात में है ना तू, पिलाऊंगी ना चाय जहर डाल के। नमस्ते भाभी जी, तो अब भैया जी को भाभी जी को इसी घर में रहना है साथ में। हाँ पागल है क्या बोल रहे, सुन लेगी वो। अच्छा बेटा तुझे क्या लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब पता है मुझे। आपने सब सुन लिया। बहन अब रहने दो, अच्छे से जानती मैं अपने भाई को, चुगलिया ही कर रहा होगा हमेशा की तरह। अच्छा ऐसी बात है, पागल तूने तो डरा ही दिया था। क्या मतलब? अरे यार तुम चाय बनाओ अदरक वाली यार। अबे ओ अदरक फेंक के मारूंगी, यही मर जाएगा। हाँ जा जा। ओ भाई तुझे याद है तूने मुझसे क्या कहा था, तू कैसे भूल सकता है। मैंने क्या बोला था? पक्की मैं सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा ना 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पार्टी शार्टी करते हैं घर पे। अरे क्या मजे की बात कह दी, लेकिन यार सारा खर्चा तू ही करी यार, तुझे तो पता है मैं बहुत गरीब हूँ यार। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ तू एक काम करियो भाई, रोहित है ना उसको दियो पैसे, वो ले आएगा दारू। भाई प्रिंस के घर आया हूँ, आज रात दारू पार्टी चलेगी, दारू लेके आया हूँ। दारू दारू भाई झाड़ू लेके आया हूँ यार, बहन इतना मेहनत करती है दिन भर काम करती है, तो मैंने सोचा उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अरे यार कितने अच्छे हैं सब, मैं इन लोगों को गलत समझती थी। अरे आपको पता है ये मेरे भाई की बाबू है। मुझे पता है भैया भाभी को प्यार से बाबू बोलते हैं, इन दोनों में तो बहुत प्यार है। हाँ हाँ भैया ने तो प्यार से पाला ही नहीं। एक मिनट मैं आता हूँ। भाई क्या बेइज्जती करवा रहे यार, 2 दिन के लिए इज्जत रख लो मेरी। भाई घर पे सब ठीक है ना? क्या बातें चल रही थी दोनों में? कुछ नहीं, भाई बहन का प्यार देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आएंगे क्यों नहीं, मेरा भाई है ही कमाल, तुम लोगों की तरह नहीं है, खुद तो दोनों कुछ करते नहीं हो और उसको भी बिगाड़ दोगे, दूर रहना दोनों से। अरे ओ ज्यादा बन रही है क्या, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब यही नहीं है कुछ भी बोलती रहेगी। और ये दोनों कोई भाई बहन नहीं है, ये 1 साल से रिलेशन में है, वो तुझे पागल बना रहे और तू बन रही है। भाई ये सच कह रहा है? भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे बहन वो एक्चुअली ना भाई कौन है ये, सच सच बता तेरी बंदी है ना? मेरे बाबू को ऐसा मत करो। हाँ मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ 1 साल से। अरे सॉरी बहन मैं तुझे बताने वाला था। अच्छा मेला खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। दीदी वो मेरा ना बैग रह गया। क्यूरी मुझसे छूट बोलती है, तभी मैं सोचूं मेरे भाई ने आज तक मुझसे प्यार से बात नहीं करी, तुझसे कैसे कर रहा था। देख बहन तुझे मेरी कसम, प्लीज मम्मी पापा को मत बताइयो, तुझे पता है जब तू बचपन में छोटी थी तेरी नाक बहती थी और मैं साफ कर देता था। छी तुझे याद है जब तू छोटी थी मैंने तुझे साइकिल चलाना सिखाया था और तुझे मैंने नीचे गिराया था, मेरा मतलब मैंने तुझे साइकिल चलाना सिखाया था। तू इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है दीदी? ऐसे मुझे इमोशनल मत करा कर। ठीक है जब तक मम्मी पापा नहीं आते यहाँ रह सकती है, पर सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे करता है ना और मुझसे ही करेगा,
इससे नहीं। अरे बहन कैसी बात कर रही है, तुझसे तो प्यार करता हूँ मैं, तू तो है मेरी सब कुछ। चलो अभी अंदर। हाँ फाइनली अब तुम मेरे साथ हो, पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो तेरा बॉयफ्रेंड कोई मामूली छोड़ी है, सुपरमैन हूँ मैं। हाँ मुझे पता है। भाई भाई बाहर आ जा, नहीं तो मैं मम्मी पापा को सब सच बता दूंगी। अबे मत बताइए यार, 70 रुपए दे दूंगा। हाँ ठीक है, पहले पैसे दे फिर नहीं बताऊंगी। वाह भाई तो कितना अच्छा है यार, 70 रुपए तो खत्म हो गए, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, भाई से मांगती हूँ। भाई मैं मम्मी पापा को कुछ बता नहीं सकती, पर थोड़ा सा हिंट तो दे सकती हूँ ना। भाई 70 रुपए और दे दे, फिर पक्का 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 कुछ नहीं बताऊंगी मम्मी पापा को। ओए तू सच में भाई से प्यार करती है? हाँ यही है मेरे लिए सब कुछ, ना इनसे पहले कोई था ना इनके बाद कोई होगा, यही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। ओए मुझे पता है तू यही है, मैंने तेरी लोकेशन पता कर रखी है, तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? ओए मेरी आज गर्लफ्रेंड है ये। अबे क्या बोल रहा है तू, गर्लफ्रेंड है मेरी, प्यार करती है मुझसे। मैंने तुझे आईफोन नहीं दिया तो तू मुझे छोड़ के चल जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। अबे कौन है तू और क्या बकवास कर रहा है? यही एक जमाने में मुझसे कहा करती थी, सारे जमाने को छोड़ मुझ पे मरा करती थी, मैं उसके लिए चांद था वो मेरे लिए धरती थी, पर वो छुप छुप के मुझसे मिलने में डरती थी। अबे पागल है क्या, क्या बोल रहा है? बेवफा अब तू ये बता, धोखा क्यों दिया तूने मुझे? तुझे आईफोन चाहिए था, ये ले ले आईफोन, अब कर ले मुझसे शादी। वाओ मेरा बाबू कितना प्यारा है, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ना तुमसे पहले कोई था और ना तुम्हारे कोई बाद होगा। आई लव यू बाबू। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई ये तो चली गई। अरे नहीं ऐसी बात नहीं, वो मुझसे प्यार करती है, देखना लौट के जरूर आएगी। बाबू यही मेरा पहला प्यार है, यही मेरा आखिरी प्यार है, आगे? देख मैंने जैसे कहा था ना वो लौट कर जरूर आएगी, मैंने सोचा तो था कि वो लौट कर जरूर आएगी पर इतनी जल्दी आ जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरा फोन रह गया अंदर। हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। और हाँ ये है दीति शर्मा, इनका भी यूट्यूब चैनल है दीति शर्मा के नाम से, तो जाके चेक जरूर करना, इनकी भी बहुत अच्छी वीडियोज होती हैं, तो सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल को भी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं अपना इंस्टाग्राम, और इनका भी जाके फॉलो जरूर करना। हाँ मेरे को बहुत सारा प्यार करना, बहुत बोल रहे हैं मेरी तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी ना, क्योंकि मुझे जरूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और क्या कहते हैं इसको, पहले पहले मुझे करना द प्रिंस पठानिया इंस्टाग्राम पे, देन इसे ठीक है। बाय बाय, लव यू।